चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होना चाहिए। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी आज हम सब लोगों के बीच में आ गए हैं। और मित्रों, मैं जानता हूं वह आप सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट से आप सब लोग एक बार स्वागत करें। मित्रों, तालियां और रुकने नहीं चाहिए, पूरी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। तालियां आपके रुकने नहीं चाहिए और ऐसी गूंज या तालियों से हो कि सभी आप सब लोग, आप सब लोगों का जो इंतजार था वह समाप्त हुआ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सब लोगों के बीच में आज आ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन उनका करता हूं। और मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधे अपने महाराजगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी, हमारे कुशीनगर से हमारे लोकप्रिय भाजपा प्रत्याशी श्री विजय दुबे जी कर दिया आप, और हमारे रवि किशन जी गोरखपुर से, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत यहां पर किया है। मैं आप सभी प्रत्याशियों के साथ, आप सब लोग हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप सब लोगों के सामने खड़े हैं, आप सब लोग उनका स्वागत अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत आप सब लोगों ने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधे ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी त्याग तपस्या और परिश्रम से उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर बढ़ाने का काम किया है, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह आए और अपना स्वागत भाषण दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और पूरी दुनिया के अंदर भारत की 130 करोड़ की आबादी का मान और सम्मान बढ़ाने वाले आदरणीय मोदी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और पदाधिकारीगण और इतनी भारी संख्या में उपस्थित कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, उपस्थित नागरिक बंधुओं, मैं भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर की इस भूमि पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आप सब की ओर से, क्षेत्र की जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 वर्ष में इस देश के अंदर आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करके खुशहाली लाने के लिए जो परिश्रम किया है, आज वो परिश्रम पूरे देश के अंदर 2 नारों के माध्यम से गूंज रहा है। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, महिला हो या पुरुष, जवान हो या बुजुर्ग, हर एक के मुंह पे ये नारे पूरे देश के अंदर गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नारे हैं कि मोदी हैं तो, मोदी हैं तो, मोदी है तो, और दूसरा नारा है पूरे देश के अंदर जहां कहीं आप जाएंगे ये नारा हमें सुनाई दिया, और वह नारा है फिर एक बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, मोदी सरकार लाने के बारे में आम जन जिस तेजी के साथ आगे आया है,
सचमुच 5 वर्ष बनाम 55 वर्षों के कार्यों की तुलना कर लें, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 5 वर्ष बनाम कांग्रेस सपा बसपा के सभी उनके कार्यकाल को एक साथ रख करके 5 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की तुलना कर लें, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल इन सब पर भारी पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा क्योंकि 1.5 करोड़ गरीबों को मकान मिलना, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत कनेक्शन, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन, 9.5 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय, 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये का किसान सम्मान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देना, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, 37 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खुल करके उन्हें बैंकिंग सेवा का लाभ देना और 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था आजाद भारत में पहली बार हुआ है। और मैं देश के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की इन गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए आज भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप कुशीनगर में आ जाइए, कुशीनगर के बिहार बॉर्डर से ले लीजिए और महाराजगंज के निचलौल और नौतनवा तक आप चले जाइए। देश की सबसे गरीब जातियां निवास करती है मोसर के नाम पर। आजादी के बाद किसी ने कभी उसका हाल नहीं लिया, लेकिन 5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री बनने पर मोदी जी ने हर मुसर जाति के परिवार को एक एक आवास देने की व्यवस्था की है। एक एक गरीब को आवास देने की व्यवस्था हो या फिर बनटांगिया गांव, अकेले महाराजगंज में 18 गांव बनटांगिया गांव है। आजादी के बाद कभी भी इन लोगों को शासन की किसी सुविधा का लाभ नहीं मिला, यहां तक कि उन्हें राजस्व गांव का दर्जा नहीं, उन्हें वोटिंग की राइट नहीं, उनका राशन कार्ड नहीं, उनके पास स्कूल नहीं, उनके पास चिकित्सालय नहीं, उनके पास पेयजल की व्यवस्था नहीं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से चाहे गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, इन सभी जनपदों के सभी पंटांगिया गांव को राजस्व गांव के रूप में दर्जा देते हुए वहां बिजली भी पहुंची है, वहां सड़क भी पहुंची है, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था भी हुई है और उनके लिए पहली बार पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उन गरीबों को मिलना प्रारंभ हुआ है। भाइयों बहनों, ये क्षेत्र चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। कांग्रेस हो सपा हो, इन्होंने इन चीनी मिलों को बंद करने का कार्य किया था और बहन जी के हाथी ने तो इन चीनी मिलों को टिकट की तरह बेचना भी प्रारंभ कर दिया था। 21 चीनी मिलें इस क्षेत्र के बेचने का पाप ये लोग किए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश सरकार फिर से इन चीनी मिलों का पुनरुद्धार कर रही है। 2 चीनी मिलों को हम नहीं लगा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामले का समाधान होता है शेष चीनी मिलों को फिर से चलाने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुगर केन से इथेनॉल बनाने की परमिशन दी है। याद करना, अब डीजल पेट्रोल के लिए अरब पे नहीं, हमारी चीनी मिले ही ईंधन देने का कार्य भी करेंगी, या कार्य भी आजादी के बाद पहली बार प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश का वैश्विक स्तर पर सम्मान हो, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने का मामला हो, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कहीं एम्स, कहीं कारखाना, कहीं पर फर्टिलाइजर कारखाना, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पर चिकित्सालय, कहीं IIT, कहीं पर IIIT, और इस प्रकार से 100 लाख करोड़ का निवेश पूरे देश के अंदर करके भारत के विकास को जिस तेजी के साथ
विगत 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने चलाया है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा, देश के अंदर 130 करोड़ जनता के लिए सबका साथ और सबका विकास का भाव के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने के जिस संकल्प के साथ आगे ले गए हैं। आज ये चुनाव, संसदीय चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का नहीं है। कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी के द्वारा 5 वर्ष के परिश्रम का परिणाम हमारे द्वारा कृतज्ञता ज्ञापित करने के रूप में एक एक वोट कमल के फूल पर सीधे मोदी जी को जाएगा। और यही अपील करने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर की जनता को अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी एवं परिश्रमी मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी होनहार उम्मीदवार और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद।